नियते शोक वर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं। इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, पियानो, हारमोनियम, ढोलक, तबला। आई साइड इशू बाइबर्स नहीं है, ये बात का प्रॉब्लम है मेरा। ये कैसे हुआ था? रोड एक्सीडेंट हो गया। फील अजीब सा ही होता था एक, मतलब सब कुछ देखने के बावजूद बंदे का इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता था। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज। नाज़रीन, आज एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हारून खान, जो कि यूं तो ब्लाइंड हैं लेकिन इनका विजन इतना ज़बरदस्त है कि ना सिर्फ ये गुलकार हैं बल्कि एक ई मीडिया ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वेब के लिए काम कर रहे हैं, सिंगिंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी मोटिवेशन ये कहाँ से आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप हारून जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं क्या क्या करते हैं? सिंगिंग तो आप करते हैं, हमने इससे पहले भी सुनी है आपसे। जी मैं सिंगिंग करता हूँ और इसके अलावा मैं ऑलराउंडर हूँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ लाइक पियानो, हारमोनियम, ढोलक, तबला और ड्रम सेट, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट, 7-8 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ, साइड फ्लूट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करता हूँ। ज़बरदस्त है। अच्छा बताएं कि आपका जो एक साइट लॉस है वो बचपन से है या फिर किसी हादसे की वजह से हुआ, और उसके बाद इतने सारे काम करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? म्यूज़िक तो मेरा बचपन से शौक था और इसको मैं लाइक बचपन से ही कर रहा हूँ। और खैर ये है कि आई साइड इशू बाइबर्स नहीं है, ये बात का प्रॉब्लम है मेरा। ये कैसे हुआ था? ये बस रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो ब्रेन पे चोट लगी थी, तो ब्रेन बैक लाइट ऑफ हो गई, फिर उसकी वजह से आई साइड जाती रही मेरी। ये किस उम्र की बात है? ये मेरी 15 इयर्स एज थी तब उसमें हुआ था। अच्छा हारून, एक बिल्कुल आम सी जिंदगी हम गुजार रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये हादसा हुआ तो उसके बाद दोबारा से जीने की हिम्मत, ये शौक, चीज़ों को मेंटेन करना कहाँ से आया? खैर ये है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना फील अजीब सा ही होता था एक, मतलब सब कुछ देखने के बावजूद बंदे का एक किस्सा इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन ये है कि फिर मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे कि जिन्होंने मुझे डिग्रेड नहीं बल्कि बड़ा सहारा दिया और बड़ा, मतलब कहा कि ऐसे भी लोग हैं स्पेशल के जिनकी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम होती है तो वो भी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भैया आपका तो ये कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो फिर हिम्मत की, हौसला किया और फिर दोबारा से अपना म्यूज़िक कंटिन्यू किया मैंने। ज़बरदस्त है हारून। और अभी क्योंकि हमारे देखने वालों ने कुछ नहीं सुना, आप बड़ा अच्छा जो है वो गाना भी गाते हैं, उसके साथ कलाम भी पढ़ते हैं, तो हमें क्या सुना रहे हैं इस वक्त? मैं आपको मैम नूर जहाँ की बहुत ज़बरदस्त गज़ल नियते शौक भर ना जाए कहीं। वाओ, चलें जी ज़रूर। नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, ना मिला उदास लोगों से, ना मिला खे उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू विदेश उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। बात है, बहुत ज़बरदस्त हारून। एक तो आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और साथ साथ आप अच्छा जो है वो एक जो आपकी चॉइस ऑफ जो आपने कंटेंट चूज़ किया वो भी ज़बरदस्त है। क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, क्या सोचा हुआ है कुछ कि ये करना है, कोई एजेंडा सेट किया हो?
जी मेरा फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं अपने म्यूज़िक को ही अपना पैशन, ये मेरा पैशन ही है, तो इसी के साथ ही मेरा ये प्लान है कि मैं आगे जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए अपनी एक सिंगिंग के थ्रू एक मैसेज कन्वे करूँ, ताकि वो जो मतलब अपना म्यूज़िक छोड़ गए हैं किसी वजह से, मैं उनके लिए एक ये प्लान मेरा है कि मैं उनके लिए एक दोबारा से उनकी उम्मीद को उजागर करूँ। अच्छा, अमूमन शिकायत ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, कोई इदारों में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, आपको भी ऐसी शिकायत हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं या हम ढूंढते नहीं हैं? जी एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैंने भी बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, और हुआ ये था कि जहाँ पे भी सीवी एक दफ़ा दे के आ जाते थे, उनको कहते थे कि सीवी दे दो, तो सीवी जमा करवाने के बाद उनकी वो कहते थे कि आपको हमारी कॉल आएगी, तो लेकिन कॉल वगैरह इस तरह से कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, और अब? अभी मैम हमारे चैनल के स्पेशल टीवी के सर आसिफ हैं, इनके पास मैंने जब स्पेशल टीवी का सुना तो मैं इधर आया, तो मुझे बहुत अच्छी इनके पास जॉब मिली और मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ इधर। जी बिल्कुल ज़बरदस्त, और ये बिल्कुल हमारा जो एक कॉन्टीन्यूटी है बेसिकली, ये स्टोरी भी स्पेशल टीवी उन लोगों के लिए बनाया गया जो कि माजूर हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हमारी नज़र में शायद माजूर हैं लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियतें मौजूद होती हैं और वो अपना बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं, और हारून खान इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।